गाइस, दिस क्वेश्चन इज अबाउट मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. वन, द एक्ट इंट्रोड्यूस डायरकी फॉर द एग्जीक्यूटिव एट द लेवल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. सेकेंड, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द प्रोविंस द गवर्नर कुड टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स ऑल्सो. थर्ड, द सिस्टम ऑफ कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट्स वॉज फर्दर कंसॉलिडेटेड. हमारा आंसर है डी, तीनों सही हैं. दिस एक्ट केम इन 1919 मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. गवर्नर के पास स्पेसिफिक टाइप के सब्जेक्ट्स ऑलरेडी दिए गए थे जिनको रिजर्व सब्जेक्ट्स कहा जाता था. लेकिन सेकेंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि गवर्नर चाहे तो इमरजेंसी में ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स भी अपने पास ले सकता है. हमारा सेकेंड पॉइंट हम पढ़ते हैं, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द प्रोविंस द गवर्नर कुड टेक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स ऑल्सो. डायरकी में सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल में ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स थे. रिजर्व सब्जेक्ट्स ऑलरेडी गवर्नर के पास थे. डायरकी मीन्स डबल रूल, दो लोगों का रूल. हियर गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ प्रोविंसेस. रिजर्व सब्जेक्ट्स में लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, इरीगेशन. ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, हेडेड बाई मिनिस्टर्स फ्रॉम लेजिस्लेटिव काउंसिल सिलेक्टेड बाई नॉमिनेटेड मेंबर्स.